हेलो फ्रेंड्स, तो आज मेरा शूट नहीं है। फाइनली मुझे टाइम मिल गया, काफी दिन से घर पे ही हूँ। वैसे भी शूटिंग है ही नहीं मेरी, लेकिन आज मैंने सोचा कि मेरे बच्चे बहुत दिन से बोल रहे हैं कि मम्मी यहाँ पर है ना, अपन जहाँ पे रहते ना पीछे बिहार लेके, और वहाँ पर बहुत बड़ा झरना वगैरह है और हम लोग को नहाना है। तो आज मैं अपने बच्चों को लेके जा रही हूँ घुमाने के लिए थोड़ा, और आप लोग को वहाँ का सब लोकेशन व्यूज वगैरह सब दिखाऊंगी। आयान इधर आ छोटू, अरे इधर दो मिनट। डुगू है, डुगू इधर वहाँ पर क्या क्या है नदी में बता जल्दी बोल। पानी वो बड़े लोग ही आता है और वहाँ पर ज्यादातर कौन आता है बोल जल्दी। अरे बोल जल्दी जल्दी, शर्मा मत, जल्दी बोल। अभी मुझे बोला था ना वहाँ पर ज्यादातर कौन नहाता है, लड़के लोग नहाते हैं। चल मिलते हैं हम उधर ही। वालेकुम सलाम बेटा। अस्सलाम वालेकुम गाइस। गाइस मैं क्या बोल रहा, मुझको बहुत दिन से आना था नदी इधर तालाब हमारे यहाँ, तो मेरा मम्मी लेके नहीं आ रहे थे। मैं बहुत आज ग्रो आज गिर गया है इंतजाम में, तो आज लेके जा रहे, तो हम अकेले भी जा रहे हैं, हमारी फैमिली और मेरे फ्रेंड्स को भी मैं लेके जा रहा हूँ, तो पीछे मेरे फ्रेंड भी है। गाइस देखो सामने दो गेंदे, हटा कितना वो है, रास्ता बहुत ही खराब है, लेकिन जा रहे हम लोग और पूरा वीडियो में बने रहिए। आगे का लोकेशन बहुत ही प्यारा है, देखो यही से थोड़ा सा ही देख लो, देखो शायद कुछ बोलना है। यस तो तुम लोग को कुछ बोलना है बोल सकते हो, बोलो क्यों शर्म आती है। अरे सब लोग देखेंगे तुम लोग को, शायद कोई ज्यादा ले रही हूँ मैं। देख ये देखो अभी स्टार्ट हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा पानी दिखना और बहुत बड़ा झरना है ये देखो। बत्तो ए बत्तो रुक, आप थोड़ा सा हमारी बहन से बात करो जो हमारे YouTube में जुड़ी रहती है हमेशा। हाय सलाम दुआ भूल गए बहन। सलाम अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। हमारा YouTube ब्लॉग हम इनके साथ आए, भाई के साथ आए थे। जाओ अभी जाएंगे ना, हमारे अरबी के बच्चे हैं। हाँ जाएंगे ना भाई के पास। गाइज ऐसे जुड़े रहिए, थोड़ा थोड़ा आज आगे आगे चलते जाते हैं, वैसे हम बीच बीच में आप लोग को लेते जाएंगे, ठीक है? तो अस्सलाम वालेकुम गाइज, मेरा अम्मी ने अभी क्या किया, हम पूरा पहुंच गए थे, पर उन्होंने वीडियो ही बंद रखे, हम इतना व्लॉग बना जा रहे हैं, मैं अभी जगह उनकी वीडियो बनती, तो अभी हम आगे जा रहे हैं। हम यहाँ नदी पे गए थे, पीछे आम की नदी बोलते हैं इसको, बराबर से दूर। हाँ हम अभी आम की नदी पे गए थे, तो वहाँ पर ना मतलब सब लोग इतना गंदा था, पूरा वॉशरूम टट्टी टट्टी पड़ी थी, कुत्ते को नहला रहे थे, इसके लिए हम वहाँ नहीं गए। हम लोग अभी आगे आ रहे हैं, उसको बोलते हैं वहाँ पर तार का खड्डा बोलते हैं। तो देखो गाइस मेरे फैमिली है पूरी, मेरा अम्मा ये। तो देखो गाइस यहाँ का रास्ता भी आप सब देख लो कितना खराब है, जाने के लिए बहुत मुश्किल लगता है। अभी हम मुश्किल है, लेकिन आप लोग हमारे लाइव में बने रहिए वीडियो के अंदर, मुश्किल हो कितना भी हो बट लेकिन मेरे बच्चों को आज कोई भी हालत में जाके उधर नहाना ही है। और गाइस ये हमारे ब्लॉग में अगर कोई गड़बड़ है, कुछ गलत लगा तो कमेंट में बताओ कि क्या मिस्टेक है, फिर हम वो मिस्टेक को सुधारेंगे अगली बार, ठीक है? तो अभी हम पहुंचने वाले, मेरे फ्रेंड्स लोग भी गए तो मैं उनका मतलब सोचता हूँ कि मिल जाए आगे, मिल जाए आगे, आगे मिल जाए। उसको थोड़ा सा ना बैक वाला भी दिखाओ सबको चलते चलते। तो गाइस देखो ये पूरा मतलब जंगल है, ऐसे तुम चलते जाओ मैं दिखाती हूँ, दिखाओ बोलते जाओ पीछे देख देख के, देखो दिख रहा है। तो गाइस देखो ये पूरा खुला एरिया, यहाँ पर सब आते हैं, यहाँ पर चीते हिरन सब रहते हैं। हम लोग एक बार अकेले आए थे, यहाँ पूरा हिरन का झुंड जा रहा है। तो देखो ये इधर एक नदी है और यहाँ पर काफी गर्दी होती है, और रुका दो पहले से पानी।
रास्ता बहुत कठिन है लेकिन बच्चे लोग की खुशी इतनी बड़ी है कि देखो फटाफट मेरे से पहले ही भाग जा रहे हैं जल्दी जल्दी। मुझे भागना पड़ रहा है कैमरा लेके लोग के पास। देखो कितना डिफिकल्ट है लेकिन बच्चे ना रुकने का ही नाम नहीं ले रहे। कहीं पर भी हो कैसा भी हो हम तो जाएंगे बोल रहे। माँ कसम या अल्लाह। पता नहीं और कितना दूर है मैं तो थक गई हूँ लेकिन पब्लिक चले ही जा रही है। देखो रास्ता खराब है लेकिन पब्लिक रुकने का नाम नहीं ले रही। देखो आगे कितनी सारी पब्लिक है दिख रहा है आप लोग को। ये देखो लास्ट तक वीडियो में बने रहिए पूरा दिखाएंगे हम आपको पूरा। एक और गुड न्यूज बताती हूँ मैं आपको। हमारा डुगू भी है वहां पर। डुगू डुगू हाँ वर्दी तो बहुत ज्यादा है बहुत ज्यादा है। अभी गिरते गिरते बची मैं। गाइस देखो कितनी गर्दी है और यहाँ पर बच्चे नहा रहे हैं। ऊपर भी है जगह। डुगू ये है डुगू। ये है मेरा बड़ा बेटा आयान। ये नवमी ये नवमी ये देखो थम मारने वाला है। आयान आयान पीछे घूमो पीछे पीछे पीछे। ये देखो मेरी टीचर बन के आया है। हाँ चलो ओमी तुम यहाँ से मार आर्यन आर्यन कहाँ आर्यन मारो तो आता कि नहीं ना इधर इधर कुछ नहीं होगा। कंपनी कंपनी है। हाय मैं हूँ इधर। एक मिनट रुको रुको रुको। ए बाबू एक मिनट है। हाय यार कुछ बोल के जाना। मम्मी आया चल Yeah.
साथ आना होगा तो आप लोग आ सकते हैं। और देखिए यहाँ पे छोटे 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 से भी बच्चे लोग नहा रहे हैं, सब पानी काफी अच्छा है। आप लोग को भी आना है आप लोग। और जैसे कि मैं आप लोग को बताई थी कि मैं आप लोग को ऊपर लेके जाऊंगी, हाँ बहुत बड़ा झरना टाइप है बिहार लेक डैम, तो वहाँ पर मैं इसके लिए नहीं गई क्योंकि बच्चे मेरे बहुत छोटे हैं और सब जिद कर रहे हैं नहाने के लिए। मम्मी हम लोग को अंदर जाना है, मम्मी हम लोग अंदर जाना है, इस वजह से मैं अंदर नहीं गई। तो आप सबको नज़ारा मैं नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन बहुत लोग पानी है आप लोग देख सकते हैं और कोई भी आ सकता है घूमने के लिए यहाँ पर, और बहुत ही अच्छी जगह है। हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम घर पे आ चुके हैं, लेकिन अब आ तो चुके लेकिन पेट में गुल 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 बहुत भूख लगी है मुझे भी और मेरे बच्चों को भी। तो अभी इतना जल्दी मैं कैसे क्या बनाऊं, मैं तो पूरी भीग चुकी हूं, अभी तक मैंने नहाया भी नहीं है। लेकिन मेरे बाजू में शमीम खाला है, बहुत अच्छा खाना बनाते, तो मैंने उनको बोला खाला प्लीज कुछ अच्छा बनाओ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मुझे आलू दे और मैं फटाक से मसाला दे, तब तक आलू उबालने के लिए रख और मैं फटाफट देखो ना आलू के पराठे बना के देती। बोला ठीक है, तो खाला ने चटपट देखो इतना फटाफट उन्होंने मसाला भी बना लिया, आटा भी गूंथ लिया। ये है शमीम खाला, चटपट खाना बनाते बहुत अच्छा। तो देखो उन्होंने फटाफट रेडी कर लिया है, अब थोड़ा सा वेट करो आप लोग, थोड़ा सा फटाफट वो भी बन जाएगा। हाँ तो बताती हूँ आप लोग को, देखो खाला कितना फटाफट 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 बना रहे हैं, देखो उनके हाथे भी कितना फटाफट चल रहे हैं और इतना पेट में भूख लगा, खाला जल्दी बनाओ, हम लोग पीछे पड़े हुए हैं सब लोग। और खाला ने पटाक से देखो बेल भी दिया, वाओ। अब हम जा रहे हैं सेकने के लिए, ठीक है, और सेक रही है मेरी बहन बत्तो, दो दो तीन तीन जन लगे क्योंकि हम लोग को बहुत जोर जोर से भूख लगी है। फ्रेंड्स देखो पराठा रेडी, और अब हम जा रहे हैं खाने, तब तक बच्चे भी खेलने गए, वो आएंगे तो वो भी खाएंगे, लेकिन फिलहाल हमें भूख लगी है जोर से, उनके आने तक हम वेट नहीं करेंगे। ये है पराठे सब बन गए हैं और ये हमें हमारी खाला जिन्होंने ये डिश बनाई है, तो खाया तो नहीं है लेकिन फिर भी सोच रही थोड़ा सा तो टेस्ट कर लूं मैं, बाद में सब थोड़ा सा लेके बैठेंगे। बहुत अच्छा है, ये दोनों बेचारे बना बना के परेशान थे और मैं तो सिर्फ खाने वाली हूँ। बाय बाय फ्रेंड्स, और कैसा लगा मेरे पराठे, मेरा पूरा ब्लॉग, बच्चे जो हम घूमने गए वो जगह, आप लोग कमेंट जरूर करना, ठीक है। और मुझे जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं थैंक यू सो मच, और भी ऐसे मेरे चैनल पे बने रहिए और आगे भी सपोर्ट करते रहिए। बाय बाय।